हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपको अपना राजवर, आज आपके सामने लाया हूं BMW रेड ब्यूटी, जो कि आपको देखने में लगेगी कुछ इस तरीके से। इसके अंदर काम वैसे चालू है, बट थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं इसमें क्या क्या लग चुका और क्या क्या लगने वाला है। अभी वो देख सकते हैं, इसके अंदर हैंगर लग चुके हैं, वाइजर लग चुका है, वाइजर में स्मोक टेप भी हो चुकी है, फॉग लैम्प लग चुकी है, क्रैश गार्ड लग चुका है, रेडिएटर गार्ड भी लग चुका है इसके अंदर। और अभी जो हम लगाने जा रहे हैं वो देख सकते हैं, इसके अंदर पैनल फिटमेंट रेडी है, टॉप बॉक्स फिटमेंट इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। और इसमें लगने वाले अपने GS वाले देख सकते हैं, GS ब्रांडिंग वाले आपको मिलेंगे इसके अंदर। साइड पैनियर बॉक्स जो कि लगने वाले हैं इसके अंदर, देख सकते हो आप, लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी है। और अभी करते हैं फिट, सैडल वगैरह फिट हो चुकी है इसकी, और बाकी फिटमेंट अभी जारी है, पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये फिट होने वाला है इसके अंदर। और साथ में दिखाएंगे टॉप बॉक्स जो कि मिलेगा आपको, देख सकते हैं साथ में मिलेगा ब्लैक कलर का टॉप बॉक्स, काफ़ी अभी क्वालिटी का ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड करने वाले हैं हम। लुक चेकआउट कर लो इसकी भी कैसी आ रही है। और अभी करते हैं फिट, फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ऑल अबाउट किस तरीके से ये लगती है पूरी कंप्लीट होने के बाद अपनी BMW जो कि तैयार है अपनी लद्दाख जाने का। पता लद्दाख सीरीज शुरू हो चुकी है जाने के लिए, तो उस केस में ये जाने वाली है लद्दाख। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि GS 310 के अंदर काफ़ी सारी मोडिफिकेशन हो रही थी उस टाइम पर, और अब ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट ही हो चुकी है। अब इसकी दिखाता हूँ फुल वीडियो, जिसके अंदर क्या क्या इसके अंदर लगाया गया है और क्या क्या नहीं लगाया इसके अंदर। तो सबसे पहले ये देखने मिलेगा वाइज़र जो कि इंस्टॉल कर दिया गया है, ये इसका प्रॉपर फिटिंग वाला वाइज़र आपकी BMW का देख सकते हैं। फिटमेंट ऐसी होती है कि कभी भी हिलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है इसे लगने के बाद। साथ में देखने मिलेगा आपको GPS माउंट, लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है। ये इसका GPS माउंट ये इसके अंदर लगा दिया गया है, और साथ में इसके अंदर लगाया है मोबाइल होल्डर जो कि आपको मिलता है बोबो का ओरिजिनल, बोबो नहीं ये वाली बोबो, ये बोबो वाला लगा दिया गया इसके अंदर मोबाइल होल्डर, और ये होता है आपको फास्ट चार्जिंग वाला। और इसमें मोबाइल लगाने के बाद ना, समझ लो एक बार लगाने के बाद कहीं भी नहीं जाता आपका मोबाइल, और ना ही ख़राब होता है, क्योंकि ये है आपका ओरिजिनल। और इसकी मिलती है पूरी 1 ईयर गारंटी। और फिटमेंट देखो इसकी कैसी आती है, देख सकते हैं सीधा इसके अंदर नॉर्मल सॉकेट नहीं होता इसके अंदर, कुछ इस तरीके का सॉकेट होता है, अगर आपने यूज़ नहीं करना तो कवर कर सकते हो ये वायरिंग का ये। और साथ में अगर लगाना चाहो तो ये इसकी फिटमेंट, ये आप इसको ईजिली इसके अंदर लगा सकते हो। ये हो गया इसका आपको एक्टिवेट, और ये मिलता है आपको फास्ट चार्जिंग वाला। और इसके अंदर और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जल्दी ही मैं इसका वीडियो लाऊंगा प्रॉपर बोबो का कि कौन कौन सी वैरायटीज़ की हमारे पास अवेलेबल है, वायरलेस, नॉन वायरलेस, चार्जिंग, नॉन चार्जिंग, और बहुत सारी वैरायटी जो इसकी आ चुकी है वो मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगा। पहले आप इसको चेकआउट कर लो, फिर आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर देखने मिलेगा आपको हैजार्ड जो कि लगा देगा, देख सकते हैं ये हैजार्ड है, जिससे इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं आपके चेंज, 20-30 पैटर्न्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, जितनी बार बटन पुश करेंगे उतनी बार ऑटोमेटिक इसके पैटर्न्स हो जाएंगे चेंज। और इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैंड गार्ड जो कि लगाते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का हैंड गार्ड जो किसी ने इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे लगाने के बाद आपके हैंड और आपके लीवर ये होते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट, इधर भी देख सकते हैं, और सेम मिलेगा आपको इस तरफ, दोनों तरफ मिलेगी इसकी प्रॉपर फिटमेंट। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर देखने मिलेगी फॉग लैम्प जो कि लगा दी गई है इसके अंदर, वाई वाली फॉग लैम्प विद हार्नेस। इसकी रोशनी चेकआउट करता हूँ कैसी होती है आपको, ये देखिए ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया वाइट, ये हो गया येलो वाइट। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर ब्लिंकर्स, ये देख सकते हैं ये इसका ब्लिंकर्स है। और आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ, देखो येलो इसके अंदर ही आपको मिलेगा ब्लिंकर, और इसके बाद आपको वाइट, वाइट के अंदर ही मिलेगा आपको ब्लिंकर्स। और ये जो ब्लिंकर्स है ना, इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, 4-5 पैटर्न्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं ये देखो, जितनी बार करूँगा बटन पुश उतनी बार ऑटोमेटिक अलग ही मिलेंगे पैटर्न्स आपको चेंज, जो कि आपको मिलता है विद हार्नेस, बिना हार्नेस से बिना हार्नेस मिल जाएगा, हार्नेस से हार्नेस साथ क्या होता है, हार्नेस का जो यूज़ होता है ना वो आपकी बाइक की बैटरी को करता है पूरी तरीके से, क्योंकि हार्नेस के अंदर रिले लगी होती है, वायर लगी होती है, स्विच मिलता है, पूरी वायरिंग आपको असेंबल्ड मिलती है, आपको सिंपली इजी टू फिटेड हो जाती है आपकी कोई सी बाइक के अंदर, वैसे GS के अंदर लगाया कोई सी बाइक को उसके अंदर आपका लग जाता है। और जो नहीं लगा बताता हूँ, इसके अंदर हेडलाइट ग्रिल लग सकती है, भैया ने नहीं लगवाई वो भी इसके अंदर लग जाती है, जो कि भैया ने नहीं लगाई इसके अंदर वो भी अपने अवेलेबल है। इधर शॉकर प्रोटेक्शन, फॉक्स लैडर जिससे आपको शॉकर मरगार्ड सेफ होता है, ये इसके अंदर नहीं लगे हैं, कहीं आप सूर्य लगा तो नहीं बोल वैसे रहा, तो इसलिए बता रहा हूँ ये लग जाते हैं बट भैया ने नहीं लगवाई। इधर आपको देखने मिलेगी रेडिएटर गार्ड जो कि मिलती है आपको GS ब्रांडिंग की, देख सकते हो आप स्टेनलेस स्टील, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नीचे आपको देखने मिलेगा इसके अंदर G310 का आपको ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है आपको सम गार्ड, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है, ये होते हैं फुली प्रोटेक्ट, इससे आपका ऊपर का रेडिएटर, नीचे आपको मिलता है ऑयल फिल्टर सेफ, और उधर मिलता है आपको फुल बॉडी क्रैश गार्ड, देख सकते हैं ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, फुल बॉडी क्रैश गार्ड इसके अंदर लगा देगा। इधर भी लुक चेकआउट कर लो और इधर की भी लुक चेकआउट कर लो कैसी आने वाली है लगने के बाद। और इसे लगाने के बाद ना आपको फेयरिंग, आपका वाइजर और आपके खुद के लैग्स ये होते हैं इससे सेफ, क्योंकि जब तक सेफ्टी वाली चीज़ें ना लगें बाइक के अंदर तब तक बाइक को चलाने में मज़ा आता ही नहीं है।
और ना एक और अलग चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत से लोग हैं क्या दिखा रहा है, मोबाइल होल्डर है तो भाई भाई लो मोबाइल होल्डर, बट इसका यूज़ बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको। ये देखो ये लग गया आपका मोबाइल, मोबाइल लगने का बेनिफिट बेनिफिट ये होता है कि जिन लोगों के पास 360 नहीं है या नहीं ख़रीदना चाहते तो यह सस्ता जुगाड़ू आपका इंस्टा 360। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरिटी कैसे आएगी। ये देखो ये लॉक खोल दिया, कैमरा ऑन, और अब देखो लुक चेकआउट करो ब्रो, इधर से देखो फ्रंट से लुक चेकआउट करो इसकी कैसे आने, देखो ये देखो यो यो हनी सिंह दिख रहा है ना। तो ये आपका 360 देख सकते हैं, कहीं भी आप इसे रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और इसके बाद आप अपने इंस्टा की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही आपका इंस्टा बन जाएगा, जो कि आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। रही बस साउंड की, तो साउंड तो आप पता ही है कि जब रोड पर चलते हैं तो वॉइस ओवर तो हर कोई कर ही लेता है। तो ये है आपका इंस्टा 360 का जुगाड़, जो कि आपके लिए आपका भाई ले आया है, आपकी GS के लिए या किसी भी ऐसी बाइक के लिए जिसके अंदर आपको ऊपर मोबाइल लगाना हो उसके अंदर आपका लग जाएगा, क्योंकि ये 360 वाला आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है अपनी किसी भी बाइक के लिए और किसी भी स्कूटी के लिए। देखा आपने सस्ता प्रीमियम जुगाड़, सस्ता और प्रीमियम इसलिए क्योंकि लगने के बाद एक प्रीमियम वाली क्वालिटी आ जाएगी, भैया आपको इंस्टा की ज़रूरत नहीं पड़ी और इंस्टा का काम हो गया आपका। इधर मैंने क्लच गार्ड का फ्लिप चेकआउट करा दिया, इधर मिलता साइड स्टैंड जैकेट जो कि लगा दी गए, इससे स्टैंड हो जाता सेफ और कहीं भी गड्ढे वगैरह के अंदर आपकी गाड़ी कहीं भी गिरती नहीं है। इधर आपको देखने मिलेगा शू प्रोटेक्टर जो लगा दी गए इसके अंदर, और बैक साइड में मिलता है फिर आपको जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग के अंदर कि इसके अंदर जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सैडल स्टे, पैनियर और आपका टॉप बॉक्स, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है, और बात करी जाए इसके स्पेस की तो वो भी दिखा देता हूँ। ये आपको देखने मिलेगा स्पेस कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा इसके अंदर आपको, लुक चेकआउट कर किस तरीके से आने वाली है इसकी। ये इसकी पैडिंग होती है, काफ़ी प्रीमियम पैडिंग है इसके अंदर जो आपको देखने मिल जाएगी, और ये आपको 45 लीटर का, आप चाहो तो इसके अंदर 36 लीटर, 30 लीटर, 55 या 65 लीटर का भी आप इसमें लगवा सकते हो अपनी किसी भी बाइक के अंदर। और इसके बाद आपको ये मैंने दिखाई फिटमेंट आपको, अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो इसके पैनियर्स हैं GS ब्रांडिंग वाले वो कैसे फिट होते हैं इसके अंदर। ये आपके हो गए पैनियर्स के अंदर प्रॉपर फिट, जो कि आप लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आने वाली है लगने के बाद। ये आपका GS की ब्रांडिंग वाले हैं जो कि लगा दें सेम इधर, और सेम आपको दिखाता हूँ इस तरफ भी, आपके हो गए पैनियर प्रॉपर फिट, और अब लुक चेकआउट कर लो कि आपकी बाइक की कैसे आने वाली है लगने के बाद। क्योंकि ये वैसे तो 310cc की बाइक है, पर इन्हें लगाने के बाद ये लगा लो कि आपकी बाइक ना 1250 ही लगने वाली है। स्पेस चेक कराता हूँ इसके अंदर भी कितना मिलता है आपको, ये देखो जी ये इसके अंदर स्पेस होता है, ये इसकी पैडिंग होती है आपको देखने मिल जाएगी, इधर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ये होता है आपके 37 लीटर के जो कि देखने मिलता है आपको, 37 इधर 37 उधर, और आपको ऊपर का मैंने बताया 45 लीटर का आपका है ऊपर वाला। ये देखो इसका भी स्पेस चेक कर लो, इसका लॉक लगाओ, उसका लॉक नहीं लगाओ, अरे कोई बात नहीं पता है मुझे, दिखा रहा हूँ। ये देखो ये आपने लुक चेकआउट करो इसकी भी किस तरीके से इसकी लुक आने वाली है, और अंदर का जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, और ये मिलते हैं आपको एल्युमिनियम वाले पैडिंग, देख लो पैडिंग काफ़ी हैवी है इसके अंदर, हल्की थर्ड क्वालिटी नहीं है क्योंकि नॉर्मली प्लास्टिक में भी आते हैं कुछ जो लोग बेचते हैं, बट ये आपको मिलेंगे एल्युमिनियम वाले, प्योर एल्युमिनियम के अंदर आपको मिलने वाले हैं आपको। साथ में बैक साइड में देखो तो आपको बैक साइड टायर अगर मिल जाएगा जिससे आपकी डस्ट वगैरह कंट्रोल होती है, और साथ में ना आपकी जो आगे की सेफ्टी है वो पूरी मिल जाती है आपको, डस्ट वगैरह पूरी होती है कंट्रोल से लगने के बाद। यहाँ पर आने के बाद टोटली ऑल ओवर आपकी बाइक की मॉडिफिकेशन होती है कम्प्लीट। अब मिलाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा काम करा कर। आइए सर, सर आप कैसा लगा आपको काम करा कर, आप आए कहाँ से ये बताइए, अपना नाम बताइए। मैं बागपत से आया हूँ, बागपत बड़ौद से। बागपत बड़ौद से कितनी बार आ चुके हैं पहले? सेकंड टाइम आया हूँ, पहली बार जब दिवाली के टाइम पर आया था, अब सेकंड बार आया हूँ। सेकंड टाइम ऑल अबाउट, आप काम से सेटिस्फाइड थे पहले? पहले थे, जबकि तो दूसरी बार आए, अभी दूसरी बार आए हो आप, तो काम वगैरह से आप हमेशा फिट है, बिल्कुल खुशी रहेंगे आप भी। आपने देखा काम जो हुआ ऑल अबाउट अब भी सेटिस्फाइड है? अब भी सेटिस्फाइड। प्राइस वगैरह इशू तो कुछ ऐसा नहीं? नहीं ज़्यादा कम वगैरह ये, और कोई आना चाहे ऑल इंडिया क्या रिकमेंडेशन रहेगी? बिल्कुल आओ एक बार विजिट करो, रेट ट्राई करो। इनका कहने का मतलब ये कि रेट और काम दोनों चीज़ अपने जन्म मिलने वाली है। जो भैया बागपत बड़ौद से हैं, आप भी ऑल इंडिया से कहीं से भी आ सकते हो, आपकी चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो,
कुछ भी आपको काम करना हो आप आ सकते हो आपके अपने राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं राजू भाई एसकेडी के नाम से आपको दिल्ली करोल बाग नायवेलन के अंदर। और जो शॉप का लोकेशन है बैक साइड में मिलेगा आपको 36 नंबर गली, और फ्रंट में देंगे तो मिलेगा आर एस माज रोड। सबसे मेन आप देख लें हनुमान जी की मूर्ति, जो कि देखने मिलेगी आपको, एक मिलेगी झंडवल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट गोल चक्कर पर, और गोल चक्कर से जैसे मार्केट के अंदर एंटर मारेंगे तो एंट्री करते ही एक और अगले चौक पर मिलेगी आपको मेरी शॉप, जो कि मिलेगी राजू भाई एसकेडी के नाम से। तो ज़रूर ध्यान दें, आपका भाई वहीं मिलेगा जब भी आप आएंगे आपकी अपनी शॉप पर, राजू भाई के शॉप पर। वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। राजू भाई एसकेडी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत, गुड बाय।